Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to another video. Well guys, आज की जो वीडियो इज नॉट अ सिंगल वीडियो, ये एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आपकी स्किन केयर की जो प्रॉब्लम है इज गोना बी कंप्लीटली सॉल्व विद दिस सीरीज। और इस वाली वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या होगा कि आपकी 90% की जो प्रॉब्लम है, आपकी एक्ने, डार्क सर्कल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स, सब के सब इस वीडियो के बाद आपकी 90% प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। और गाइज, अगर आप मेरी वीडियो देखकर यहाँ पर आए हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, इससे ये प्रूव होता है कि आप कितने कंसर्न हो अपने आप को लेकर, आप कितनी केयर करते हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। और गाइस, जिस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ ढूंढते आए हो ना, उसका आंसर दिए बिना मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व करके ही रहूंगा। और गाइस, अगर आप स्किन केयर के ऊपर वीडियोस देखोगे ना तो आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और एक्चुअली में हेल्पफुल भी है। बट मैंने जब वो चीज नोटिस करी ना कि एक बेसिक रूटीन किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली है क्या, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और उससे आपकी मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो बात करते हैं हम लाइफ चेंजिंग सीटीएम प्रोसीजर के बारे में। सीटीएम का मतलब है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये एक सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस है जो आपको लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना है फॉर अ हेल्दियर स्किन। अब सीटीएम के अंदर मैं आपको मेन चीज बताऊं कि हमारा फोकस ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज करें वो नेचुरल और कंप्लीटली ऑर्गेनिक हो। मेरा कहने का मतलब जिसके अंदर सल्फेट नहीं है, जिसके अंदर पैराबेंस नहीं है। ये 2 केमिकल्स ऐसे हैं जो जनरली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किए जाते हैं ताकि उसकी शेल लाइफ बढ़ सके। बट मैं आपको ये चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, स्पेशली फॉर मैन, बिकॉज ये प्रमोट करता है हमारे अंदर एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स की, विच इज वेरी बैड एंड दैट इज द रीजन आई रिकमेंड एवरीवन टू यूज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। So guys, without wasting any more of your time, let's get started with the point number 1, which is cleansing. Cleansing करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट यूज किया है वो बायोटिक का हाइड्रेटिंग क्लेंजर। अब इसको आपने कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो अपना फेस जो है वो अच्छे से पानी से वॉश करना है और टॉवल से ड्राई कर देना है। उसके बाद आपको ये क्लेंजर जो अपने फेस पर लगाना है और अच्छे से मसाज करना है और 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। तो ये क्लेंजर जो है आपके फेस के जितने भी पोर्स होते हैं उसको खोल के, उसके अंदर डीपली घुस के जितनी भी डर्ट है, जितना एक्सेस ऑयल है, उसको वो रिमूव करके आउटर लेयर पर उसको ले आएगा। और नेक्स्ट चीज, आपको एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है और जितनी भी फेस पर आपने क्रीम लगाई है उसको वो कंप्लीटली वाइप कर देना है and that is it with the cleansing part. अच्छा गाइज, एक चीज और, अगर आपके पास क्लेंजर नहीं है तो आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। फेस वॉश और क्लेंजर की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप क्लेंजर यूज करो बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता है। और अगर आप फेस वॉश यूज करोगे तो मेक श्योर वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक हो, दैट मीन्स वो 2 केमिकल से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2 इज टोनिंग। अब हमने क्लेंजिंग कर ली, क्लेंजिंग से हमारे पोर्स जो थे वो ओपन हो गए थे, डर्ट भी होगी, लेकिन हमारे पोर्स जो है वो स्टिल ओपन है। तो टोनिंग का काम ये होता है कि वो ओपन पोर्स को बिल्कुल बंद कर देता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया नहीं आ सके। अगर गलती से कोई भी बैक्टीरिया थोड़ा बहुत भी चला जाता है तो चांसेस है कि आपके फेस पर एक्ने हो जाए, तो उससे बचने के लिए दिस टोनर इज वेरी हेल्पफुल। और यहाँ पर हमने यूज किया बायोटिक का पोर टाइटनिंग टोनर। जैसे ही आप इसको फेस पर लगाओगे ना आपको टाइटनिंग महसूस जरूर होगी। और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। सो गाइस, कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज मॉइस्चराइजिंग। अब आपने क्लेंजिंग कर ली, आपने टोनिंग कर ली, अब आप ये चीज नोटिस करोगे कि आपका जो फेस है कंप्लीटली साफ हो चुका है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा ड्राई भी हो गया। ड्राई इसलिए हो गया बिकॉज आपका फेस का जो पीएच बैलेंस है वो बिल्कुल हिल चुका है, तो उसको रीइंस्टेट करने के लिए हमने करनी है मॉइस्चराइजिंग। और यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया है वो बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। ये आपका जो पीएच बैलेंस है उसको बिल्कुल रीइंस्टेट कर देगा और साथ में आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करेगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया बाहर से ना आके आपको एक्ने प्रॉब्लम कर सके। और गाइस, जिन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो अपने फेस पर हैवी मॉइस्चराइजर लगाए जस्ट लाइक मी, तो मैं यूज करता हूँ जॉनसन्स का बेबी मॉइस्चराइजर, बेबी लोशन, जो कि बहुत ही लाइट सा है और लगाते के बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, प्लस आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो भी यूज कर सकते हो। तो गाइज, ये था हमारा सीटीएम प्रोसीजर जो कि आपको लाइफ टाइम तक फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको 2 बार दिन में करो, एक सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने से पहले, फॉर दी बेस्ट रिजल्ट्स। और गाइज, बायोटिक के जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, मैं किसी भी टाइप की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट आई एम अ पर्सनल यूजर ऑफ इट और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला, दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग विद यू गाइज, क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है और बहुत सारी कंपनीज है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बना भी रही है, जस्ट लाइक पाओ आपने सुना होगा, मामा अर्थ जैसी कंपनीज। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको कुछ भी खरीदना है मैं लिंक्स डाल देता हूँ प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो एंड आपकी स्किन जो है वो हमेशा के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। आई अश्योर यू गाइज। तो गाइज इस सीटम प्रोसीजर के बाद 90% आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी। आपको एक्ने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सब रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइज अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। और जब आप डीएम करोगे मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो एक छोटा सा मैसेज लिख देना कि आई एम फ्रॉम यूट्यूब एंड देन क्वेश्चन लिख देना, एंड आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आप सबका रिप्लाई कर पाऊँ। और गाइज आज की जो वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो या इन्फॉर्मेशन लगी हो, आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड पता चलता है कि येस यू आर डूइंग गुड वर्क, मैं अच्छी अवेयरनेस स्प्रेड कर पा रहा हूँ। और गाइज जितने भी यहाँ पर न्यू व्यूअर्स हैं उनसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगाओ या इन्फॉर्मेशन लगाओ कंटेंट, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, इट विल रियली हेल्प अस। और इस चैनल पर हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो हमें एवरीडे लाइफ में हेल्पफुल हो, स्पेशली फॉर मेन। और गाइज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है उसके अंदर हम एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और गाइज मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैं इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। वहाँ पर भी बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा होता है जो मैं यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट वॉज अमेजिंग टू सी यू गाइज। और इस लॉकडाउन पीरियड में अपना भी ध्यान रखो और अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, and I'll see you guys in my next video.